आप देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गीजर के बारे में। गीजर का डिमांड सबसे ज्यादा रहता है, घरों में भी देखते हैं। आज इस युग के अंदर हर घर के अंदर गीजर लगा हुआ रहता है। तो हम क्या कहते हैं, लोग आपको के गीजर खराब हो गया तो आप सीधे मिस्त्री के पास जाते हो। क्यों जाते हो भाई? आपने आईटी कर ली और आईटी के बाद में क्या आपको डेलीवरी खुद को होना जरूरी है? डेलीवरी कुछ है ना, तो गीजर के अंदर देखो, मैंने इस गीजर को पूरा खोला है और गीजर की बात बता दो। गीजर को खोलने के बाद ये टैंक था भाई, ये ग्लास होता है, ये क्या होता भाई? कांच का होता। क्या होता भाई? कांच का। इसके देखो हाथ नहीं लगना चाहिए, हाथ लगोगे देखो, हाथ लगोगे इसके यानी हाथ लगोगे हाथ में ऐसा अपने को खुजली होने की संभावना रहती है। ये आपका क्या भाई? ग्लास होता। इसका काम क्या होता है कोई मेरे को बताएगा? खतराम जी बताएंगे इसका ग्लास का काम क्या रहता है। खतराम जी बताएंगे कि ग्लास में क्या काम रहता है। चश्मा उष्मा ऊपर नहीं करता है, इसके अंदर यानी इसके अंदर जब पानी गर्म होता है उस उष्मा को बाहर नहीं जाने देगा, यानी इस टेम्परेचर को अंदर ही रहने देगा। बाहर वाली ठंड है इसके अंदर नहीं जाने देगी और अंदर वाली गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देगी। ये किसका काम है भाई? ग्लास का। इतनी बात तो समझ आ गई। उसके बाद में देखो, ये इसके अंदर ग्लास के अंदर गीजर के अंदर ये इस प्रकार का टैंक होता है। क्या होता है? इस प्रकार टैंक होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई? ये अपनी एक ये अपने ये क्या लगा होता भाई? इसे क्या है? थर्मोस्टेट। अब जो थर्मोस्टेट लगा होता है और ये इसके अंदर क्या होती भाई? एमिनेशन। क्या होती है? एमिनेशन। अब ज्यादातर लोगों का डिमांड ये रहता है कि इसके अंदर कहां से सप्लाई दे और कहां से सप्लाई लेते हैं। ये लोगों को पता नहीं रहता है, ये लोगों को पता नहीं रहता है और ये चीज का ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। वरना आपको किसी ने बता दिया कि ये मेरे गीजर है आप फिटिंग कर दो तो डरना नहीं है। जो आपको यानी सीधे सीधे यहाँ से दोगे आप इनपुट, यानी यहाँ से आप क्या दोगे? पानी। यहाँ से आप ठंडा पानी जाएगा और इधर से मुझे मिलेगा गर्म पानी मिलेगा। अब देखो यहाँ से आपने को यहाँ से ठंडा पानी देंगे, यहाँ से आपने को गर्म पानी मिलेगा। अब देखो इसको इनपुट देने के लिए आपको चीज ध्यान में क्या रखनी है। अब देखो आपको चीज ध्यान में क्या रखनी है, ये वाला जो आपको दिख रहा है एक, या आपको दिख रहा है ये वाला एक जो एक निकालने के लिए, यानी जो ये लगा हुआ रहता है तो आपको ये क्या समझना है, ये क्या है? यानी पानी देने वाला है, इनपुट देने वाला है। अब देखो इसके अंदर ये क्या होता है भाई? घूम के वापिस यहाँ पर इसका सिर आ जाता है। क्या रहता है? यहाँ पर सिर आ जाता है। इसका पानी हमको गर्म मिलता है यहाँ से। देखो यहाँ पर पानी देखो अपने को यहाँ से देगी और इस प्रकार से रहेगा ये अपने लगेगा और यहाँ से अपने को गर्म पानी यहाँ से अपने को मिलेगा। अब देखते हैं इसके अंदर ये एमिनेशन राड है और इसमें कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर एक क्या होता भाई? थर्मोस्टेट। अब देखो इसके अंदर एक इस प्रकार की निप लगी हुई होती है जो खाली, और इसके अंदर यह थर्मोस्टेट का एक भाग लगा हुआ रहता है। ये थर्मोस्टेट देखिए गीजरों में दो दो आते हैं जो एमसी के रूप में काम करते हैं, एक भी आता है। अब देखो ओरिजिनल अब आजकल के दो दो आते हैं जो ये क्या खराब होने के बाद में यूज हुए, यानी वह अपनी एमसीबी के रूप में काम करता है। वह क्या कर देता है इसको पूरी एक बार सप्लाई को ऑफ ऑन तो कर देता है बल्कि जल्दी पानी ज्यादा गर्म होने के बाद में वापिस ऑफ कर देता है। तो अपने को यह महसूस होने लग जाएगा कि अपना थर्मोस्टेट क्या हो गया? जल गया। क्या हो गया? जल गया। अब इसको लगाना क्या है, जैसे एक आता है इसको भी सेंटीग्रेड में, अब दूसरा है थर्मोस्टेट जो आता है एमसीबी के रूप में, वह भी क्या होता है? सेंटीग्रेड रूप में। अब देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब देखो ये चीज ये है ना, ये वाला भाग इसके अंदर होता है, ये वाला भाग। अब इसके अंदर हम क्या डाल देंगे इसको बैठे थर्मोस्टेट के अंदर बैठा देंगे। मेरे भाई इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो इम्यूनेशन राड है, इम्यूनेशन राड के दो टर्मिनल है और दो टर्मिनल के अंदर ये तीसरा टर्मिनल है। तो तीसरे टर्मिनल जो एक टर्मिनल दिया हुआ है आपको अर्थिंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर एक भाई इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लोड ज्यादा पड़ेगा, तार भी आपको पतले यूज नहीं लेने हैं। हमने तार भी अपने 2.5 mm या 3 mm के तार यूज लेने हैं, बड़े तार यूज लेने हैं, छोटे तार यूज नहीं लेने। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप देखो यहाँ अर्थिंग भी आपको मजबूत अच्छी तरह अर्थिंग होना चाहिए, जैसे आपके पानी के अंदर हल्का फुल्का करंट आ रहा है वह भी आपके करंट का महसूस नहीं होगा, अर्थिंग होगा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी।
अब देखो मैंने इसको लगाया सैंडी गर्म है, यहाँ से मैंने दिया फेज, यहाँ से देखो पहले पहले सीधी बात है वो इसको मैंने दिया फेज है, क्या दी भाई? अब देखो मैंने इसमें क्या दी भाई? फेज सब रही, इसमें क्या दी भाई? फेज सब रही। अब इससे किसमें चली गई? इसमें सैंडी गर्म में लगे हैं और इसे मैंने किसमें डाल दिया? मैंने सराड में, और इधर से मैंने क्या दे दी? क्या दे दी भाई? न्यूट्रल। अब मैं आपको यहाँ पर पानी के अंदर गर्म करके बताऊंगा और किस प्रकार से ये बंद हो जाता है, कैसे अपने की। अब देखो इसमें अंदर बत्ते जोड़नी है, तो इसमें देखो अपने को लाल बत्ती जोड़नी है, जो किस पर जोड़नी? सीधे डायरेक्ट है, किस पर जोड़नी है भाई? इमिनेशन राड है, इस पर सीधी बत्ती यहाँ पर जोड़नी, कहाँ पर जोड़नी है? इस पर जोड़नी है। यहाँ पर आपको क्या जोड़नी है भाई? लाल बत्ती। अब देखो इसके अंदर सप्ली जाएगी और ये सप्ली देखो ये इसके अंदर सप्ली जाएगी और तो इसके अंदर ये लाल बत्ती चलेगी। अब ये थर्मोमीटर पानी यानी टेम्परेचर आपने फिक्स किया हुआ, जैसे टेम्परेचर अपना फिक्स करने के बाद में यानी ये चीज क्या हो जाएगी, ज्यादा पानी अपना फिक्स मान पर गर्म होने के बाद ये क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? सप्ली को ऑफ कर देगा। तो सप्ली ऑफ होती जो आगे वाली बत्ती लगी हुई लाल वह क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद। ओनली आपकी बत्ती कौन सी रहेगी? हरी। कौन सी रहेगी? हरी बत्ती रहेगी। तब आपको ऐसा लगेगा कि अपना क्या है, गीजर एकदम सही है। क्या है? सही है। अब देखते हैं लोगों के क्या ज्यादा डिमांड आते हैं, क्योंकि गीजर का 5-2-3 साल 3 लोग अच्छी तरह से उसकी सुरक्षा करते तो खराब नहीं होते, ठीक है? ये क्या नहीं होते खराब? तो इसमें क्या होता है कि ये खराब नहीं होने के कारण है कि ये 5-6 साल लगे तो इसको खराब नहीं हुआ, बल्कि ये इमिनेशन राड है, यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पानी के अंदर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर नमक जम जाता है, तो उनको नमक को झाड़ के साफ सफाई करके वापिस को रिपेयर करना चाहिए। आप विद्युतकार हो, आपका काम क्या है, उसको सुरक्षा सावधानी रख के कुछ अच्छी तरह अर्थिंग करके उसको दोगे, ऐसा नहीं उसके नमक चिपी हुई है, आपने अपना अपना काम कर दिया और इसमें डाल दिया, ऐसा काम है नहीं करना। अब देखते हैं हम पानी के अंदर डालते हैं, अब देखते हैं पानी के अंदर डालते हैं और पानी के अंदर इसको हम देख रहे किस प्रकार से।